आज से हम धम्मपद की गाथा और कथा के बारे में बात करेंगे। धम्मपद बहुत ही दुनिया के अंदर जाना माना ग्रंथ है या बुक है या संग्रह है। धम्म और पद, धम्म माने तो आप जानते हैं नेचर या प्रकृति होती है, कुदरत, और पद माने जो उसमें लिखा हुआ है, जो सूत्र उसमें लिखे हुए हैं, उनको पद बोलते हैं। धम्मपद दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली और दुनिया में सबसे पहले छपने वाली और सभी भाषाओं में सबसे ज़्यादा मुद्रित यानी प्रेस में और उसको टंकण में यानी कि जो उसकी छपाई हुई है वो सबसे ज़्यादा किताब मानी जाती है और वो है भी। आप इंटरनेट पर जाएंगे तो आपको धम्मपद अगर शब्द डालेंगे तो आपको सारी भाषाओं में धम्मपद लिखा हुआ, उनके बातें लिखी हुई आ जाएंगी। यहाँ जो उसकी गाथा है और जो कथा है उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। गाथा हम जो पाली में बोलते हैं, गाथा का मतलब है वो बात जो बुद्ध ने कही दो लाइन में या तीन लाइन में या चार लाइन में, और जो पाली में है और बहुत शॉर्ट में है यानी कि गूढ़ रहस्य में है उसको गाथा कहते हैं, और वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं बदली है, वो सेम है। गाथाओं का मिलान अगर आप कहेंगे, चाहे वो इंग्लिश में है या हिंदी में है या फ्रेंच में है, पाली में है, तमिल में है, सिंगली में है, भोट भाषा में है, अरबी में है, उर्दू में है, किसी भी भाषा में, वो दो लाइनें हमेशा उसी भाषा में बोली जाती हैं, उनका कन्वर्जन नहीं होता यानी कि उनको कन्वर्ट नहीं करते, वो बदलती नहीं है, वो शब्दों के हिसाब से सेम वो उतारी जाती हैं। और उसके बाद जो आती है कथा, कथा माने स्टोरी है, कथा माने कहानी है, वो बाद में बनाई गई हैं, उस काल से संबंधित हैं। कुछ कथाएं ऐसी हैं जिनमें बातें आपको समझ में नहीं आएंगी, आप उनसे घबराइएगा मत, क्योंकि साफ साफ बुद्ध का मैसेज है कि जो समझ में आए वो आपका, और जो समझ में ना आए उसे छोड़ देना चाहिए, जो आपको लगे कि नहीं आता उसे छोड़ देना चाहिए। मगर गाथा बिल्कुल शुद्ध हैं और प्योर हैं। कथाएँ बदलती रहती हैं कथाएं, क्योंकि आदमी अपना जब लिखता है उसको या बोलता है तो दो चार बातें अपनी भी उसमें डाल देता है समझाने के लिए, उस भाषा के हिसाब से, उस जगह के हिसाब से, उस बात के हिसाब से, उस संदर्भ के हिसाब से, उस एग्जांपल के हिसाब से। इसलिए कथाएं बताने के लिए हैं, उस समय ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, और सार ये है। तो आप गाथा पे मेन जाएंगे, उसके मतलब पे मेन जाएंगे, कथा उसको याद करने के लिए है, उस समय की हो सकती है, संबंधित हो सकती है, बदल चुकी हो सकती है, उसमें नहीं जाएंगे। यहाँ जो धम्मपद है, मैं धम्मपद के विस्तार के बारे में अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, मगर पहली गाथा मैं आपको बता देता हूँ। धम्मपद का जो पहला वर्ग है, वर्ग माने वर्ग, वर्ग बोलते हैं यानी कि सेक्शन, जो धम्मपद का पहला सेक्शन है उसको यमक वर्ग बोलते हैं यानी कि यमक वर्ग। यमक मीन्स होता है ट्विन या पेयर यानी जोड़ा, जैसे दो बच्चे एक साथ पैदा होते हैं तो उसको कहते हैं कि ये ट्विन्स हैं, जुड़वा हैं या यमक हैं। दो इसलिए साथ हैं इसमें, दो पद यानी दो सूत्र यानी दो गाथाएं यानी कि दो इसमें आयत या दो इसमें वर्सेस या दो बातें इसके अंदर या दो इसमें अनुच्छेद या दो इसमें धाराएं, यानी दो हैं ये, इनको कुछ भी बोल सकते हैं हम। दो इसलिए हैं कि एक में वो बताते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, और दूसरे में तभी हाथ कर बताते हैं कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, बात सेम रहेगी, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा और ऐसा करेंगे नहीं तो ऐसा नहीं होगा या ऐसा होगा, इसलिए वो जोड़े में साथ साथ हैं। पहला वर्ग है, इम्पोर्टेंट है, और पहली जो गाथा है, जो पहली बात है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट इसलिए हैं, महत्वपूर्ण इसलिए हैं, वो मुख्य इसलिए हैं, उसका महत्व इसलिए ज़्यादा है क्योंकि सारा का सारा जितना भी बुद्ध ने आज तक 45 साल में बताया और जो अभी तक लोग बता रहे हैं वो एक तरह से उसका सार है, और वो तीन लाइनें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उन तीन लाइनों में जो पहली लाइन है उसको हम इस तरह से देखेंगे, मनोपुब्बगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया। दूसरी लाइन है, मनसा चे पदुठेन भासति वा करोति वा। तीसरी लाइन है, ततो नंग दुख मनवेति चक्कंग वे वह तो पदंग। पाली में है इसलिए पाली चूंकि बाद में सरल होकर हिंदी बन गई,
ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, मगर ये बहुत शॉर्ट में होता है और गूढ़ रहस्य में होता है, इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा करके मैं समझाऊंगा तो ये बहुत आसान होता चला जाएगा। पहला शब्द है मनोपुब्बगमा, यानी मन पूब गमन करता है। पूब माने पहले से, मन माने मन, और गमन माने गमा माने गमन करता है यानी जाता है, यानी कि मन आगे चलता है। धम्मा, धम्मा माने प्राकृतिक है, उसका स्वभाव है। मनोसेठा, मनोसेठा का मतलब है मन श्रेष्ठ है, मन सुप्रीम है, मन सबसे प्राइम है, आगे है। मनोमया का मतलब है कि मन अपने आप में प्रधान है। मनोमया मन से उत्पन्न होता है, मनोमया मतलब मन प्रधान है, मन से उत्पन्न होता है। तो इस लाइन को आप ऐसे समझिए कि मन पुब्ब गमा, यानी मन सबसे आगे चलता है, ड्राइवर है। मनोसेठा मनोमया, मन से जो उत्पन्न होता है, मन श्रेष्ठ है। दूसरी लाइन है मनसा चे पदुठेन, यानी मन से जो उत्पन्न होता है, मनसा माने मन से, चे माने यदि, पदुठेन माने बुरे, और दू जो पदु में जब दू लग गया, पदुठेन माने जो दुराभाव उत्पन्न होते हैं, जो बुरी बातें उत्पन्न होती हैं, खराब। भासती मतलब भाषण, भाषण देते हैं जो उनको भासती बोलते हैं, भाषण भाषण दे रहा है तो इसका मतलब भासती हो गया। वा माने अथवा यानी जैसे, भासती यानी बोलता है या करोती या करता है। तीसरा है ततो नंग, ततो माने तब उसके बाद, और नंग जो आता है यहाँ आदमी के लिए आता है, यानी वे आदमी नंग उस व्यक्ति को। दुख मनवेती, दुख उसका मनवेत करता है यानी पीछा करता है, पीछा करता है। कैसे? चक्कंग वह वहतो पदंग, चक्क माने चक्का हो गया, यानी कि गाड़ी का चक्र, धमचक्क में आपने देखा होगा जैसे धमचक्क बोलते हैं, तो चक्क माने पहिया हो गया, पहिया किसका है? गाड़ी का। वह बहतो पदंग यानी बह रहा है, ढो रहा है, पदंग माने पैरों को, यानी कि बैल अगर गाड़ी को चला रहा है तो दुख ऐसे पीछे जाएगा जैसे पहिया साथ साथ चलता रहता है। अब इसको समझिए कैसे है, पहले इसके पीछे एक कहानी सुन लीजिए। दो कहानियां हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, बड़ी मज़ेदार हैं, जो कथा में आती हैं। एक चक्खुपाल करके थेर हुआ करते थे। चक्खुपाल थेर कहाँ थे? सावित्थी में। सावित्थी मतलब जैतवन आराम में। जैतवन आराम का मतलब है जैतवन राजकुमार का नाम है, और आराम बोलते बगीचे को, सावित्थी के अंदर है। वहाँ की ये कथा है, चक्खुपाल जो थेर थे वो अंधे थे। थेर का मतलब है बड़े भिक्कू थे, सीख चुके थे और अर्हत भी हो गए थे। अर्हत का मतलब है कि अपने दुखों को वो खत्म कर चुके थे, मगर अंधे थे। चक्खु माने होता है आंख, और पाल माने पालना। चक्खुपाल यानी नाम है उनका चक्खुपाल, आंख पालने वाला, मगर अंधे हैं और अर्हत हैं, यानी जीवन से निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं, एक तरह से बस जीवन को जी रहे हैं। तो वो शाम को विपश्यना करने बैठे, शाम को विपश्यना करने जब बैठे और सुबह को उठे, तो जो वहां छोटे मोटे कीट पतंगे थे वो उनके नीचे दबके मर गए। अब वो कीट पतंगे मर गए, अब भगवान बुद्ध के नियम के अनुसार विपश्यना अगर आप करते हैं तो कीटों को मारने की बजाय आप घायल नहीं कर सकते। विपश्यना करने जाएंगे, मच्छर आपको काटता रहेगा, आपको हाथ से ही उड़ाना है, मारेंगे नहीं। अगर मारेंगे तो उसके मारने का जो फल है वो विपश्यना में आड़े आ जाएगा, इसलिए उसको उड़ाइए। आप किसी को नहीं, इसलिए नीचे चल के देखना पड़ता है ताकि चींटी ना मर जाए, तो आप मार नहीं सकते। मगर वहाँ तो चक्खू पाल जो थेर थे उन्होंने वहाँ बड़े सारे कत्ल कर दिए, बड़े सारे मर्डर कर दिए। उससे क्या हुआ, जो और भिक्कू थे सामने थे, जो छोटे भिक्कू थे, उनमें खलबली मच गई, बड़ी उनके अंदर उतावलापन हुआ। ये क्या किया, वैसे तो अर्हत हैं चक्खुपाल, इतने बड़े भिक्कू हैं और इतने सारे कीट पतंगे मार दिए, इसका तो पाप लगेगा, और ये कैसे अर्हत हैं। ये बात जब वहाँ जैतवन आराम में यानी जैतवन बगीचे में फैली तो भगवान बुद्ध के सामने वो बात गई, उनसे कहा जाए कि ये अर्हत हैं और ये जीवों की हत्या कर रहे हैं, ये कैसे अर्हत हैं। अब भगवान बुद्ध पारगामी, यानी उनके जो एक गुण है पारगामी के, मतलब वो चीज़ों को पार भी देख सकते थे। उनको जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये साथ में प्राप्त हुआ कि वो मनोदशा देखते हुए आर पार का भी व्यक्ति का देख लेते थे और समझ लेते थे कि इसके मन में क्या चल रहा है, इसकी स्थिति क्या है, कैसी है, तो समझ गए। तो उन्होंने बताया, अब यहाँ जो कथा चलेगी वो पिछले जन्म की है, पिछले जन्म की कथा से जिन लोगों को ऐतराज है वो इसको कथा मान के छोड़ दें। जो लोग जानते हैं कि जिनकी दिव्य दृष्टि, जैसे भगवान
बुद्ध की दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई और उन्होंने अपनी मेमोरी खोल ली, और मेमोरी खोल के वो अपनी पिछले की सारी मेमोरी में चले गए। ऐसे तीन लोग और भी थे जो मेमोरी खोल लेते थे, और हरे बुद्ध काल में लगभग चार लोग बुद्ध के साथ में ऐसे होते हैं जो अपनी मेमोरी को खोल सकते हैं। आप भी खोल सकते हैं क्योंकि बुद्ध के बीच सब में होते हैं। आपको अच्छा लगे पुनर्जन्म में, ठीक है, पिछले जन्म की मेमोरी खोला, नहीं लगे तो आप इसको कथा मान के जाने दें। तो भगवान ने बताया कि ये जो चक्षु पाल थेर हैं, ये पिछले जन्म में भैसज्य गुरु थे। भैसज्य मतलब चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, भैसज्य बोलते हैं पाली में। भगवान बुद्ध भी बड़े भैसज्य गुरु रहे हैं, ये वो भैसज्य गुरु रहे हैं और ये चक्रुपाल भैसज्य थे, और ये बड़े सिद्धस्थ थे, यानी इनका हाथ बड़ा सिद्ध, सिद्ध माने सफल होना, बड़ा हस्त सिद्ध थे, यानी कि ये जिस भी काम में हाथ लगाते थे वो ठीक हो जाते थे। तो ये वहाँ लोगों की सेवा करते थे, उनको ठीक करते थे। तो हुआ क्या कि एक औरत आई जो आँख से अंधी थी अपने बच्चों के साथ। उस औरत ने कहा कि अगर आप मुझे ठीक कर देंगे तो मैं अपने बच्चों के साथ में जीवन भर आपकी सेवा करूंगी, आप गुलामी करूंगी, और जो काम आप बताएंगे वो काम मैं करूंगी, ये मेरी आपकी तरफ से फीस रहेगी, सेवा रहेगी। तो चक्खूपाल ने उसकी मरहम पट्टी की, और मरहम पट्टी करने के बाद में वो औरत ठीक होती चली गई। अब ठीक होती चली गई तो उसको लगा कि भाई देखना तो मैंने सीख लिया, अब देखना तो मुझे आ गया, दवाई से मैं ठीक हो गई। अगर मैंने इसको बता दिया चक्खूपाल को कि मैं ठीक हो गई तो इसकी गुलामी करनी पड़ेगी, इसके काम करना पड़ेगा जीवन भर, तो उसे लालच आ गया। तो वो चक्खूपाल ने पूछा क्या तुमको दिखाई देता है? तो उसने कहा कि नहीं, अभी तो आँख ठीक नहीं हुई, अभी तो आँख ठीक नहीं हुई। तो चक्खूपाल समझ गए कि भाई ये औरत झूठ बोल रही है। उन्होंने क्या किया, दूसरा मरहम लगा दिया, उससे वो औरत की जो बीमारी ठीक हुई थी वो और ख़राब हो गई और बंदी हो गई। ये काम उसने किया। ये काम करने के बाद में फिर उसका जन्म यानी कि बर्थ आगे बढ़ा, और उस बर्थ में ये जो पैदा हुआ तो ये अंधा पैदा हुआ। चूंकि इसने पुराने जीवन में बहुत अच्छे काम किए थे, इसलिए उसका फल तो उसे ये मिला कि ये अर्थ हो गया, और औरत के साथ अच्छा नहीं किया इसलिए ये अंधे हो गए। तो ये रहस्य भगवान बुद्ध ने बताया। ये एक कहानी है। दूसरी जो कहानी तिब्बत में चलती है बौद्ध भाषा में, वो क्या है कि दो लड़के होते हैं एक राजा के महल के आगे। उनमें से एक लड़का सोचता है कि अगर मैं राजा बन जाऊं तो मैं जो लोग होंगे उनको हाथियों से कुचलवा दूंगा, और दूसरा सोचता है कि अगर मैं राजमहल में चला जाऊं, राजकुमार बन जाऊं, तो मैं लोगों में कल्याण करूंगा, लोगों का फायदा करूंगा। और ऐसा करते करते दोनों लड़के सो जाते हैं। उधर से राजा का रथ आता है, और राजा के रथ से एक लड़का मारा जाता है। वो लड़का मारा जाता है जो लोगों को हाथियों से कुचलवाने के लिए सोचता है। जब वो लड़का मर जाता है तो राजा रथ से उतरता है, वो कहता है अरे ये लड़का मर गया, आपका साथ साथी था। तो वो दूसरे लड़के को अपने साथ ले जाता है और उसे वो अपना बेटा बना के उसको पालता है, और वो वहाँ दत्तक पुत्र के रूप में उसके साथ में रहता है। ये दो कहानियाँ हैं, मगर जो बताया आपको शुरू में वो सुनिए क्या है। ह्यूमन सॉफ्टवेयर यानी कि जिससे ह्यूमन चलता है, ह्यूमन का प्रोसेसर नहीं बात कर रहे हैं, प्रोसेसर जो होता है वो दिमाग होता है, ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, मगर इस मस्तिष्क को चलाने वाला जो होता है वो मन होता है। ये भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले खोज की कि ह्यूमन को चलाने वाला या ह्यूमन का जो ड्राइवर है वो उसका दिमाग नहीं है। ह्यूमन का ड्राइवर यानी ह्यूमन के जो सारे काम, मनुष्य के जो सारे काम सबसे पहले करता है वो उसका मन करता है। कोई भी बात अगर आप करेंगे तो सबसे पहले आपके मन में आएगी, जब मन में आएगी तब आपके ब्रेन में जाएगी, और जब ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा तब परिस्थिति और स्थिति के अनुसार में आप उस पर एक्ट करेंगे, या तो बोलें या खाएं या पिएं या सोचें या चलें या बैठें, कोई भी एक्ट करें तब करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा मनोपुब गमा, यानी कि मन पहले चलता है प्रकृति में, धम्म उसका पहले चलने का है, और वो श्रेष्ठ है, वो सुप्रीम है, और वही से उत्पन्न होता है। मन में जो बात उत्पन्न होती है उसके सारे कारण उन्होंने अभिधम में बताए हैं, थोड़ा गूढ़ है, बारीक है, कभी फिर बाद में जब अभिधम स्टार्ट करेंगे तो उस समय इसको बताएंगे। फिर वो कहते हैं कि मन में अगर बुरा ख्याल आएगा, जैसे मन में आपके किसी के प्रति कोई बुरा ख्याल आएगा वैसे ही आप बोलेंगे और वैसा ही आप करेंगे, यानी कि बुरा ही बोलेंगे और बुरा ही करेंगे, क्योंकि मन में बुरा आया है। फिर दुख आपके पीछे पीछे ऐसे चलेगा जैसे
जब गाड़ी चलती है तो जो गाड़ी को ढोता है यानी बैल जो ढोता है तो पहिया उसके पीछे पीछे चलता रहता है। जब तक गाड़ी को वो ढोता रहेगा चलाता रहेगा तब तक पहिया पीछे पीछे चलता रहेगा। ऐसे ही चक्कूपाल के मन में जैसे ही ये बात आई कि मैं इसका बुरा कर दूं, उसने उसका बुरा कर दिया, उसको अंधा कर दिया और उसका फल उसे मिला। क्यों फल मिला? क्योंकि चक्कूपाल के जो बुरा किया वो फाइल उसके बॉडी के अंदर मेंटेन हो गई, सॉफ्टवेयर में मेंटेन हो गई और वो बाद में ट्रांसफर हुई। प्रोसीजर है, आप माने या ना माने, मगर कथा है, ट्रांसफर ऐसे होती है। ऐसे ही जो बच्चे थे, जिसने बुरा सोचा वो मर गया, इंसिडेंटली मरा, मगर उसने बुरा सोचा, जो अच्छा अच्छा सोचा उसके साथ में अच्छा हुआ। ये भौट वाली जो तिब्बत में चलती है कहानी, दोनों कहानियाँ चलती हैं। धम्मपद में और भी कोई कहानी बनाई जा सकती है इसके साथ साथ में, क्योंकि शिष्यों ने बनाई थी। इसलिए आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आप करेंगे, वैसा ही आप बोलेंगे। ये यमक वक की पहली कहानी है, इसके बाद में इसकी विपरीत दूसरी कहानी है जो हम धम्मपद के दूसरे भाग में बताएंगे। धन्यवाद।